एक मच्छर इंसान को इरिटेट कर देता है। एक मच्छर लाइफ में इंसान दो बार अपने आप को चांटा मारता है, एक जब उसकी मशूका उससे बेटर इंसान के लिए उसे छोड़ देती है, और दो जब मच्छर उसके गाल पे पप्पी लेने आता है। तो कंट्रोल उदय, कंट्रोल। गर्मियों का वातावरण मच्छरों के लिए उतना ही हसीन होता है जितना हमारे लिए गोवा का वातावरण। चड्डी बनियान में बीच पर बैठे रहो, मन किया वहीं सो जाओ, मन किया वहीं खा लो। उसी तरह मच्छर भी, चड्डी बनियान का पता नहीं, पर मन किया कहीं पे भी बैठ जाओ, गाल नाक छाती, मन किया खून चूस लो, वरना कान के पास आके गाना गाना शुरू कर दो, माय दिल गो। तो इस गर्मियों में खुजली, पसीना, दुख, दर्द तो है ही, ऊपर से मच्छर भी आ गए हैं। तभी इस मौसम का नाम समर है, समर। समाचार। गर्मियों में मच्छरों के साथ WWE चलता है, और अगर हमें लड़ाई जीतनी है तो कुछ नुस्खे अपनाने होंगे। नंबर वन, मच्छरों को मारने के लिए ये इलेक्ट्रिक रैकेट। जिस तरह जेलों में थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, उसी तरह ये रैकेट भी मच्छरों को इलेक्ट्रिक शॉक देता है। करंट लगते ही मच्छरों को चक्कर आने लगते हैं और वो कुछ इस तरीके से जमीन पर गिर जाता है, और जीत तुम्हारी होगी, सिर्फ तुम्हारी। समाचार। तरकीब नंबर टू, कछुआ छाप कॉइल। जरा सोचिए, आप लिफ्ट में हैं, जीरो ग्राउंड फ्लोर से 20वें फ्लोर पर जाना है, लिफ्ट बंद है, साथ में एक और इंसान भी है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, अभी फर्स्ट फ्लोर पे ही पहुंची है, और वो इंसान नेचुरल गैस छोड़ देता है, तो सोचो आपकी क्या हालत होगी। वही हालत ये कछुआ छाप कॉइल करेगा उस मच्छरों की। मच्छरों को सफोकेशन होगी और वो घर से बाहर का रास्ता देखेंगे और आपका घर त्याग देंगे, और जीत सिर्फ तुम्हारी होगी। समाचार। तरकीब नंबर तीन और सबसे बेस्ट तरीका, किसी स्टैंड अप कॉमेडियन को अपने घर बुलाओ, उससे जोक्स बुलवाओ, हंसो, हंसते हंसते ताली मारोगे तो साथ साथ हवा में मच्छर भी मर जाएंगे। एक तीर से दो दो निशाने, देखा। वैसे मच्छरों और रिश्तेदारों में क्या चीज कॉमन होती है, दोनों ही आपका खून चूसते हैं। क्या आप जानते हैं कि मच्छर कभी भी अपने टांग पर खड़ा क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि दे डोंट हैव मॉस्किटोज। इसी के साथ मच्छर जोक्स भी खत्म होते हैं और हमारा समाचार भी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप भी मच्छरों से तंग हैं तो बताइए, क्योंकि दुख बांटने से कम होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और हमारे चैनल जी स्विच को सब्सक्राइब करो। बाकी कहीं अनकहीं बातों के लिए रमित आपसे क्षमा मांगता है। खुश रहो, आबाद रहो, और इसी तरह मच्छरों को मारते रहो।